हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो टेक राज। आज मैं आप लोगों के साथ फैक्ट मिस्ट्री का ये फिफ्थ एपिसोड है। तो ये इसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा फैक्ट शेयर करूंगा जो आप लोग शायद नहीं जानते हो, और अगर नहीं जानते हो जब जानोगे तब बोलोगे वाओ मैन ये क्या था, मैं तो कुछ नया सीख गया। तो चलो शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट है इसमें। देखो मेरा पहला जो फैक्ट है वो जो मतलब हम लोग का मोबाइल का टावर होता है या कुछ ऊंचा बिल्डिंग होता है बहुत, उसमें एक रेड कलर का लाइट ब्लिंक करता रहता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, कभी मूवी में भी देखे हो या कोई मोबाइल टावर के ऊपर देखे हो एक रेड कलर का लाइट ब्लिंक कर रहा है, ऐसे 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 ब्लिंक कर रहा है, देखे हो जरूर देखे हो भाई, ये तो कॉमन चीज है। तो वो चीज क्या एक्चुअली क्या है, तो एक्चुअली वो चीज क्यों उसमें दिया जाता है वो रेड लाइट। एक्चुअली क्या होता है, देखो वो बिल्डिंग या टावर तो बहुत ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है, तो उधर से जब कोई एयरक्राफ्ट या कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है तो दिन में तो दिखाई देगा, रात में क्या करेगा, या कोई फॉग हो रहा है तो उस टाइम में क्या होगा, अंधेरा होगा बहुत, उस टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है दिखना। इसके लिए उसमें ब्लिंक करता रहता है और लोगों को पता चलता है, जो पायलट होता है उसको पता चलता है कि उधर एक कुछ है, उस साइड से मुझे जाना नहीं चाहिए, उसको अवॉइड करके दूसरे साइड से उसको लेके जाना चाहिए। इसके लिए वो चीज दिया जाता है एक्चुअली में, और कुछ नहीं। वो कोई फ्रीक्वेंसी आपका नहीं भेज रहा है, या वो फ्रीक्वेंसी या टावर के साथ उसका दूसरा कोई ताल्लुका नहीं है, यही मैटर है कि इससे ही वो चलता है और इसके लिए ही वो यूज होता है। तो ये फैक्ट आप लोगों के लिए शायद बहुत अच्छा था, कोई अगर दूसरे बार पूछे तो उसको बता देना कि इसका फैक्ट ये है, और अगर दूसरा भी फैक्ट जानना है तो उनको मेरा चैनल शेयर कर देना, क्योंकि आप लोग भी मेरा चैनल का मेंबर हो, आप लोग भी टेक फैमिली से आते हो। तो चलो दूसरा फैक्ट जान लेते हैं। जो दूसरा फैक्ट है, आप लोग जानते हो एवरी 7 सेकेंड्स एक वेबसाइट क्रिएट होता है। तो मतलब मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं तो इसमें भी मतलब आप लोगों के साथ जितना बात कर रहा हूं मैं, ये 7 सेकेंड गया, सॉरी 7 सेकेंड गया फिर एक वेबसाइट बन गया, मतलब आप लोगों के साथ बात करते करते कितना वेबसाइट बन गया आप लोग सोचो। तो सोचो इंटरनेट कितना बड़ा है और इंटरनेट में कितना बिजनेस चलता है अभी, मतलब ये इंटरनेट कितना 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 कुछ है इंटरनेट में, हम लोग कितना जानते हैं इंटरनेट का, बहुत कम। हम लोग जो सर्फिंग यूज करते हैं, सर्फिंग वेब है हमारा, वो ये सर है, और बाकी बॉडी पूरा डार्क और डीप वेब में बटा हुआ है। तो सोचो कितना है, और डीप या डार्क वेब के बारे में और भी आगे जानना है तो आई बटन में चेक करो, मैं उसमें डाल दूंगा वीडियो, उसमें आप लोग जाके देख सकते हो, पूरा डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्ट में हम लोग जाते हैं। जो फैक्ट है मेरा नेक्स्ट वो है क्या, 2003 साल था इंटरनेट जब से शुरू हुआ है, मतलब जिस टाइम से भी इंटरनेट शुरू हुआ है, इंटरनेट उस टाइम से लेके 2003 साल तक जितना डेटा इंटरनेट पे स्टोर हुआ है, पकड़ लो 100 GB, 200 GB, 1 GB, 2 GB, मैं पकड़ के चलता हूँ 1 TB स्टोर हुआ है, ठीक है। तो पूरा 2000 मतलब जितने दिन से इंटरनेट बना है उस दिन से 2003 साल तक 1 TB इंटरनेट अगर बना है तो उस मतलब 2003 के बाद जितना भी डेटा क्रिएट होता है उतना डेटा जितने दिन में बना है, मतलब जो इंटरनेट पहले दिन बना था उससे 2003 तक जितना डेटा क्रिएट हुआ है एक दिन में, मतलब उतने दिन में मैं पकड़ लिया 1 TB, तो वो 1 TB डेटा हर 2 दिन में क्रिएट हो जाता है। सोचो कितना लोग अभी इंटरनेट यूज करते हैं और कितना डेटा रखते हैं हम इंटरनेट पे, मतलब जब इंटरनेट पहली बार शुरू हुआ था उससे 2003 साल तक जितना डेटा क्रिएट हुआ था, स्टोर हुआ था, उतना ही डेटा 2 दिन में अभी सिर्फ ओनली 2 डेज में उतना ही डेटा क्रिएट हो जाता है, मतलब कितना इंटरनेट यूज करते हैं हम लोग भाई। सही हो सकता है मैं भी तो इतना वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे तो हो ही सकता है। और एक ये भी और एक फैक्ट है, हर सेकंड में यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड होता है पूरा वर्ल्ड में,
हर एक सेकंड में एक वीडियो अपलोड होता है YouTube में। तो सोचो YouTube में कितना वीडियो है, कितना सारा प्लेटफॉर्म है। YouTube में भी बहुत फेक चीज भी होता है, अच्छा चीज भी होता है, वो आपको सही से ढूंढ लेना पड़ेगा कौन सही है कौन गलत है, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट फैक्ट में जाते हैं हम लोग। अभी देखो जितना भी हम लोग मोबाइल देखते हैं, अभी ये देखो मेरा मोबाइल, ये रहा मेरा मोबाइल। पहले का जमाने का मोबाइल में क्या होता था, बैटरी कंपार्टमेंट अलग से होता था, हम लोग बैटरी को निकाल सकते थे, सही है ना, बैटरी को हम लोग निकाल के बैटरी को निकाल सकते थे। लेकिन अभी क्यों नहीं निकाल सकते वो बैटरी, मतलब बैटरी क्यों अभी अटैच्ड होता है फोन में, जानते हो ये वाला फैक्ट, शायद नहीं जानते हो। क्या है एक्चुअली, बैटरी का जो कंपार्टमेंट बनता है ना, वो एक बैटरी का ढांचा होता है, उसमें बैठाया जाता है, उसमें बहुत सारा मैकेनिज्म लगता है। तो क्या होता है, ये बहुत सारा स्पेस इसको मतलब ले लेता है मोबाइल का, और मोबाइल बहुत डब्बा जैसा बन जाता है। तो अभी इंजीनियर लोग क्या किए है, अभी इसको इंजीनियर लोग बहुत सोच के बैटरी को इसमें फिक्स कर देते हैं। तो इसमें देखो फोन अभी बहुत स्लिम हो गया है पहले से ज्यादा। पहले फोन कितना इतना इतना मोटा मोटा डब्बा डब्बा सा आता था। अभी देखो अभी सैमसंग में लॉन्च भी कर दिया है, अभी डिस्प्ले भी मतलब फोल्डिंग डिस्प्ले वाला भी फोन आ गया है। तो मतलब इतना कुछ हो सकता है। तो इसके लिए क्या क्या है, इंजीनियर लोग या मोबाइल कंपनी ये मोबाइल का बैटरी को छोटा करके, पावरफुल है बैटरी, उससे भी पावरफुल है बैटरी, लेकिन क्या है, बैटरी को छोटा करके, बैटरी को स्लिम करके इसके साथ ही फिक्स कर दिया है। लाइक मैं जैसे आपको बोला था ना सिम के बारे में, ई सिम के बारे में जो बोला था मैं, इसके लिए ही अभी सिम का ट्रे भी हटा रहे लोग, ई सिम का उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस जितना भी बचेगा फोन आपका उतना छोटा होगा, उतना स्लिम होगा, फोन में उतना कुछ अलग दूसरा चीज, दूसरा मैकेनिज्म देना दे सकते हैं, और फोन बहुत अच्छा मतलब फीचर आ सकते हैं उसमें। तो यही बात है और कुछ नहीं, इसके लिए ही फोन का जो मतलब बैटरी होता था एक्सटर्नल बैटरी, रिमूवेबल बैटरी, उसको बंद कर दिया गया हुआ है, अभी फिक्स बैटरी आया है, दूसरा और कुछ चीज नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर ये टेक मिस्ट्री आपको अच्छा लगता है, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट को चेक करो, प्लेलिस्ट में और भी है टेक का मिस्ट्री और फैक्ट जो है वो बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उसे भी चेक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन लोगों की बहुत नॉलेज मिले। और प्लीज 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 चैनल को बहुत सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।